हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल तेजुन फूडी एंड क्राफ्टी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही टोस्ट। इसको शाही टुकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। शाही टोस्ट सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही खाने में मज़ेदार है। एक तो मस्त क्रिस्पी टोस्ट और उस पर दूध की रबड़ी, जो इसको लुक भी बहुत अच्छा देती है और टेस्ट भी दुगना कर देती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी नए नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियोस आए तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे। तो कोई भी फेस्टिवल हो या घर पे गेस्ट आए तो अपने हाथों से बने शाही टोस्ट को एक बार ज़रूर खिलाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी शाही टोस्ट की रेसिपी को। शाही टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। उसके लिए 1 किलो दूध लिया है। उसे किसी भी पैन में या कढ़ाई में डालकर आप रबड़ी बना सकते हैं। तो हम एक कढ़ाई में दूध को डालते हैं। दूध को हाई फ्लेम में एक बार गर्म कर ले। गर्म होने के बाद फ्लेम मीडियम कर ले और उसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से स्पून से चारों तरफ से हिलाते जाएं, ताकि दूध पैन में नीचे लगे ना। ये देखो 15 से 20 मिनट में दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। तो इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए दूध को गाढ़ा करते रहेंगे। इसे 25 मिनट लगे हैं और हमारी रबड़ी रेडी है। अब हम इसमें केसर डालेंगे। ये थोड़ी सी केसर को मैंने भिगो के रखा था। भिगोने से केसर का कलर अच्छा आता है। इस तरीके से अब हम इसे रबड़ी में डालेंगे। अब डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और ये रबड़ी रेडी है। इस रबड़ी को हमें फीका ही रखना है। अब हम बनाएंगे टोस्ट के लिए चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए एक बाउल लिया है मैंने, जिसमें कि हमें चाशनी बनानी है। अब उसमें 2 गिलास पानी डाला है। पानी थोड़ा सा गर्म हो गया। अब उसके बाद में 1 कटोरी शक्कर को मैं डालूँगी और इसे अच्छे से हिलाएंगे। थोड़ी देर कंटिन्यू हिलाने के बाद चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। हल्की सी गाढ़ी होने के बाद ये हमारी चाशनी रेडी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। ये चाशनी कंप्लीट रेडी है। ये चाशनी रेडी है, इसे करते हैं साइड में। अब हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड बीच में से इस तरीके से कट कर लेना है। अब लेंगे एक पैन, उसमें ब्रेड को फ्राई करने के लिए घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे अच्छे से। अब उसमें डालेंगे ब्रेड और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से इस तरीके से सेक लेंगे। इस तरीके से ये हम सेक के रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो बहुत सारी ब्रेड एक साथ सेक के रेडी कर सकते हैं। ये हमारा टोस्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे गर्मा गर्म चाशनी में डिप करेंगे। इसे डिप करके तुरंत ही निकाल लें। अब उस पर लगाएंगे रबड़ी को, अच्छे से पूरी ब्रेड पर फैला लेंगे इस तरीके से। आप इस पे लगाएंगे कुछ पिस्ता की कतरन और ये हमारा शाही टोस्ट रेडी है। बहुत ही शानदार रबड़ी वाली शाही टोस्ट को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को भी बहुत बहुत शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।